वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अभी की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक, मुंबई के अस्पताल से निकल कर आ रही है अभिनेता इरफान खान का निधन, कैंसर के कारण मुंबई के अस्पताल में तोड़ा दम। दोस्तों आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। इससे दो दिन पहले ही उनकी माँ का निधन हो गया था। वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। और बॉलीवुड के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन होने की खबर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुताप और बबील को मेरे संवेदना, तुमने भी लड़ाई लड़ी। सुताप, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। ऐसा एक ट्वीट जारी किया सुजीत सरकार ने। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब सदमे में है। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान खान को न्यूरोइंड्रोक्स ट्यूमर नामक की बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। किसे पता था ये मूवी इरफान की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म साबित हो सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतनी ही जानकारी है। तो दोस्तों मैं आज आपको सभी को मैं ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बस इतना कहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और इरफान खान से जुड़ी हुई हर खबरें सबसे पहले दे सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।